शादी का जोड़ा पहन नेशनल अवार्ड लेने पहुंची आलिया। बालों में सफेद गुलाब लगाए दिखी बॉलीवुड की गंगूबाई। कृति सैनन ने भी ऑफ व्हाइट साड़ी में लूटी लाइमलाइट। तो अल्लू अर्जुन ने बंद गले के कोट में रिसीव किया अवार्ड। अरे ये क्या, आलिया भट्ट अपनी शादी का जोड़ा पहन नेशनल अवार्ड लेने पहुंच गई। एक्ट्रेस ने अपने स्पेशल डे के लिए नहीं खरीदी नई साड़ी। अब देखिए इंटरनेट पर आलिया को नेशनल अवार्ड मिलने से ज्यादा उनकी पुरानी साड़ी की खबरें ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। कोई कह रहा है कि करोड़पति आलिया के पास इतने पैसे नहीं है कि वो नेशनल अवार्ड फंक्शन के लिए नई साड़ी खरीद लेती, तो कोई एक्ट्रेस का पक्ष लेते हुए लिख रहा है उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे स्पेशल साड़ी को जानबूझ कर किया है रिपीट। देखा जाए तो शादी का जोड़ा हर लड़की के लिए खास होता है, शायद इसलिए आलिया ने इतने बड़े सम्मान के लिए साड़ी को चुना। बता दें आलिया भट्ट की ये साड़ी मशहूर डिजाइनर सब्यसाची ने डिजाइन की है। बताया जाता है कि इस साड़ी की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। मिसेज रणबीर कपूर ने बेज कलर की साड़ी के साथ गोल्ड का चोकर और टॉप्स पहने, वहीं माथे पर उन्होंने काले रंग की बिंदी लगाई हुई थी। बालों में जूड़ा और जूड़े के साथ सफेद गुलाब भी कमाल का दिख रहा था। आलिया देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ट्रोलर्स पुरानी साड़ी पहनने पर उनके पीछे पड़ गए। आलिया को सबसे ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कंगना रनौत के फैंस। बता दें कंगना ने सेम टू सेम ऐसी ही साड़ी अपने भाई अक्षय के वेडिंग रिसेप्शन में पहनी थी। ऐसे में कंगना को आलिया का मजाक उड़ाने का मिल गया है मौका। एक यूजर ने दोनों की तस्वीर शेयर कर कंगना को लिखा क्लासी और आलिया को अनाड़ी। इस बीच एक और यूजर ने पोस्ट डाला, आलिया ने साड़ी कंगना से कॉपी की और नेकलेस दीपिका से। वहीं एक और यूजर ने कंगना और आलिया की तस्वीर शेयर कर कंगना को क्राउन लिखा और आलिया को जोकर। हालांकि बहुत से ऐसे यूजर भी हैं जिन्होंने आलिया भट्ट को उनकी शादी वाली साड़ी रिपीट करने पर सपोर्ट किया है। एक यूजर ने लिखा आलिया की निजी जिंदगी का सबसे अहम दिन और सबसे बड़ा पेशेवर दिन, दोनों जगह एक ही साड़ी, बहुत सुंदर। आपको बता दें आलिया भट्ट को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड दे रही थी तब रणबीर कपूर एक प्राउड पति के तौर पर अपनी पत्नी का वीडियो बनाते दिखे। वहीं इस मौके पर करण जौहर भी अपनी मुंह बोली बेटी को सपोर्ट करने पहुंचे। बता दें आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड फिल्म गंगूबाई के लिए मिला है। वहीं कृति सैनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड लेने के लिए कृति सैनन व्हाइट कलर की साड़ी में नजर आई। उन्होंने अपने लुक को बेहद सोबर रखा, लाइट मेकअप और बिंदी उनके लुक को कम्प्लीट कर रही थी। कृति ने अपने इस लुक के साथ लाइट ज्वेलरी कैरी की। इस साल अल्लू अर्जुन नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर रहे। अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड फिल्म पुष्पा के लिए मिला है। अवार्ड शो के लिए अल्लू अर्जुन क्रीम कलर के बंद गला खोज में दिखे। अंकज त्रिपाठी भी नेशनल अवार्ड लेने पहुंचे। आपको बता दें उन्हें फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।